वेलकम टू द जेई एडवांस प्रॉब्लम 22। तो यहाँ पर अपन को करना है फाइंड द सम ऑफ द एट पावर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो एक क्यूबिक इक्वेशन, इसके तीन रूट होंगे, तो अपन क्या करना है, पहले तो क्यूब की एट पावर करनी है और फिर उनका सम करना है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, तो मान लो x1, x2 और x3 इसके रूट है, ठीक है। तो अपन को क्या पता रहता है, बेसिकली सम ऑफ द रूट्स अपन यहाँ से बता सकते हैं 0। इस क्वांटिटी की वैल्यू यहाँ पर अपन बता सकते हैं बेसिकली -1। इस क्वांटिटी की वैल्यू तुम बता सकते हो विच इज ऑल्सो -1, बेसिक आपको पता होगा। तो यहाँ पर अपने पास ये इक्वेशन दे रखी है x³ - x+1 = 0, और इसके रूट्स को एक्स आई बोलते हैं, जहाँ आई की वैल्यू है 1, 2 और 3। ओके, यहाँ पर ऐसा है, चलो ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, ये जो चीजें एक्स आई होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इसका रूट है। यहां से अपन देखे जो एक्स आई क्यूब है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स आई -1 लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ अपन ने एक्स आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं ऑब्वियसली इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, लिख सकता है ऐसा। तो ऐसा लिखने के बाद में क्या करने वाला हूँ, ऐसे एक्स आई पावर 5 एक्स आई स्क्वायर, ये माइनस का एक्स आई स्क्वायर ऐसे ही रहने वाला है। ये जो एक्स आई क्यूब है, एक्स आई क्यूब की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, ये जो एक्स आई -1 है वो वाली वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करने वाला हूँ, तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आया, माइनस ऑफ एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स आई -1, ये एक्स आई 5 की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मैं वापस क्या करने वाला हूँ, एक्स आई 8 निकालूंगा और उसको मैं दो पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूँ, यहाँ पर 5 पावर एंड 3 पावर। 5 पावर की जगह ये जो मैंने चीज निकाली है ये मैं पुट करूंगा, और एक्स आई क्यूब की तो मुझे पता ही है ये है, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, छोटी पावर्स में लाने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिकली। तो यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास ये चीज आ रही है, तो यहाँ पर इसको करने की कोशिश करें तो आ रहा है माइनस का एक्स आई क्यूब प्लस 2 टाइम्स एक्स आई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स आई प्लस 1। तो एक्स आई क्यूब की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, एक्स आई -1। यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आ रहा है, तो ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, एक्स आई 8। तो यहाँ पर अगर अपन चेक करें, अपन को क्या करना था, ये वाला सम फाइंड आउट करना था। इस वाले सम की जगह अपन क्या करने वाला है, ऑब्वियसली ये वाला सम फाइंड आउट करेंगे क्योंकि ये फाइंड आउट करना इजी है, तभी तो अपन ने इसको इतना सिंप्लीफाई फॉर्म में किया है। प्लस 2 यहाँ पर 3 बार आएगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो अब अपन का कंसर्न क्या है कि अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है सिंपली जो x1² + x2² + x3² है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स x1² प्लस सॉरी सॉरी, यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, x1 + x2 + x3² - 2 टाइम्स summation of x1 x3, आपने पढ़ा होगा। अब ये सारी चीजें तो अपन को दे रखी थी कि जो मैंने शुरू में बताया था, जो सम दे रखा था वो 0 दे रखा था। मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, यहाँ से तुम सम ऑफ रूट देख सकते हो, तो 0 आ रहा है। तो यहाँ पर अपना जो आंसर है, और यहाँ पे टेकन 2 एट ए टाइम, वो तुम देख सकते हो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो ये आंसर कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ पर इसका आंसर -2 टाइम्स -1 जो कि 2 हो जाएगा अपने पास। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 - 3, इस सम की वैल्यू 0 + 6, तो जो अपना आंसर है वो यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो होप तुम्हें समझ में आया होगा कि अपन इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम किसी चीज पर वीडियो चाहते हो या तुम्हें कुछ टॉपिक पे मतलब पर्टिकुलरली वीडियो चाहिए तो तुम बता सकते हो, और कोई भी प्रॉब्लम्स किसी टॉपिक पे चाहते हो तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।